बीजेपी के मंच पर गुटबाजी, स्वागत मंच पर मुर्दाबाद के नारे, ऐसे कैसे जीतेंगे आगामी चुनाव? जब एक ही मंच पर दो लोगों के लिए मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगने लगे तो पार्टी के अंदरूनी कलह सामने आ ही जाती है। योगी के सुगम सुशासन की पोल खुल ही जाती है। ये राजनीति है जहां अगर एक तरफ प्यार और सम्मान मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ धक्का देकर नीचे गिराने वाले लोग भी मिल जाते हैं जो साथ साथ चलते हैं। अब ग्रेटर नोएडा के कासना का ये नजारा ही देख लीजिए, जब बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के स्वागत के लिए बने मंच पर जबरदस्त घमासान देखने को मिला। बीजेपी नेताओं के अंदर की गुटबाजी की पूरी पोल खुलकर सामने आ गई, वो भी सांसद महेश शर्मा के सामने। मतलब आप अंदाजा लगाइए, जन विश्वास यात्रा के लिए खास तौर पर पहुंचे महेश शर्मा का भी लिहाज नहीं किया गया। अपने अंदर के उबाल को शांत करके नहीं रख पाए बीजेपी के नेता, और देखिए फिर दिखा दंगल। सभी अपना अपना स्थान ले ले, ऐसे लोगों का अहंकार हम तोड़ने। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा की कासना की ये तस्वीरें हैं जहां स्थानीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, जिससे सांसद महेश शर्मा के सामने पहले तो वो थोड़े असहज हुए और संचालक से माइक छीन लिया। इसी बीच मंच पर मौजूद एक और नेता ने ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर मंच से ही अमित पहलवान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। जब सांसद महेश शर्मा ने ये सब होते देखा तो बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब लोग मानने को तैयार नहीं हुए तो महेश शर्मा मौके से निकल गए। और देखिए बीजेपी की जन विश्वास यात्रा और उसको लेकर किए जाने वाले बीजेपी के सभी दावों की हवा निकल गई। ये है बीजेपी के अंदरूनी हालत जो चुनाव नजदीक आते आते धीरे धीरे सामने आने लगी है। सांसद महेश शर्मा तो अब इसके खुद साक्षी बने हैं। देखते हैं अब बीजेपी ग्रेटर नोएडा में हुई अपनी फजीहत के बाद अमित पहलवान और विधायक धीरेन्द्र सिंह के बीच इस गुटबाजी को लेकर क्या एक्शन लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपके मन में बीजेपी की इस गुटबाजी को लेकर क्या सवाल उठते हैं? क्या यही है बीजेपी की असली हालत? क्या विधायक से इस तरह असंतोषित है लोग? क्या इसी असंतोष के साथ विकास मॉडल का दम भर रहे हैं योगी जी? इस वीडियो पर आपकी राय, आपके मन में सरकार के लिए सवाल, आपके मन में क्या है, हमारे साथ जरूर साझा करें।